लिमिट जो है वो x टेंड्स टू इंफिनिटी रहेगा, जितने भी क्वेश्चन है सभी इसमें। तो जो दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो फॉर्मूले में बता रहा हूं आपको, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय x, ये आता है 0, और सेकंड फॉर्मूला है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x रेज टू पावर n इक्वल टू 0 इफ n इज ग्रेटर देन 0। ये दो फॉर्मूले आपको एक्सरसाइज में यूज करने, ठीक है, लिमिट ऑफ 1 बाय x इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x इक्वल टू 0, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x रेज टू पावर n इक्वल टू 0। आपको टोटल एक्सरसाइज लिमिट में 7 है। अगर मैंने रैंडमली पूछा कि फोर्थ एक्सरसाइज में कौन सा टॉपिक है तो आपको पता चाहिए कौन सी फोर्थ एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज कौन से टॉपिक पे है, रैशनलाइजेशन मेथड, सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूले लर्न करने। अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले हुए है वो फॉर्मूले आपको लर्न हो गए। कितने फॉर्मूले है उसमें, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय x इक्वल टू e, उसके बाद सेकंड फॉर्मूला e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू log e, और एक है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू log a, और एक फॉर्मूला बचा है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1। डेली फॉर्मूले लर्न करते रहो ताकि प्रॉब्लम नहीं जाएगा आपको। इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय x इक्वल टू क्या होता है 0, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x n इक्वल टू 0। यहां पे कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कंडीशन में क्या बोला है, n इज ग्रेटर देन 0, यानी n की जो वैल्यू है 0 से बड़ी रहेगी। 0 से बड़ा नंबर कौन सा है, पॉजिटिव नंबर 1, तो 1 2 3 4 में यहां पे 1 2 3 4 कोई भी नंबर अगर मैं लिख रहा हूं, x क्यूब लिख रहा हूं, x 4 लिख रहा हूं, x 7 लिख रहा हूं, तो 1 अपॉन x का लिमिट अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो उसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। देखो एक्सरसाइज 7.7, डिफिकल्ट नहीं है एग्जांपल ज्यादा। क्वेश्चन 1, इवैल्यूएट फॉलोइंग, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d अपॉन e x क्यूब प्लस f x स्क्वायर प्लस g x प्लस h। अभी इस सभी एग्जांपल में जो वेरिएबल है यहाँ पे यूज किए उसका हाईएस्ट पावर क्या है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 3 है, तो आपको x क्यूब से डिवाइड करना है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सेम मेथड आपको बाकी एग्जांपल सॉल्व करने भी वैसे अप्लाई करनी है। हाईएस्ट पावर एक वेरिएबल का 3 है तो x क्यूब से डिवाइड करना है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड x क्यूब ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या मिलेगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d अपॉन x क्यूब। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, x क्यूब थी फोर टर्म के अपॉन में अपॉन ex क्यूब प्लस fx स्क्वायर प्लस gx प्लस h अपॉन x क्यूब। नेक्स्ट स्टेप लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, अभी ये जो x क्यूब है ये किसके डिवाइड में है, सभी टर्म के डिवाइड में, इसको सेपरेट लिखना है, क्या मिलेगा मुझे x क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस bx स्क्वायर अपॉन प्लस cx अपॉन प्लस d अपॉन x। यहां पे भी ये सभी इसमें डिवाइड में ex क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस fx स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस gx अपॉन x क्यूब प्लस h अपॉन x क्यूब। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी
एक्स क्यूब कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा बी अपॉन एक्स। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, बी इंटू वन बाई एक्स लिख सकता हूँ, बी इंटू वन बाई एक्स डी बाई एक्स हो गया प्लस सी इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब कैंसिल, यहाँ पे आएगा ई प्लस एफ अपॉन एफ इंटू वन बाय एक्स प्लस जी इंटू वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस एच अपॉन एक्स क्यूब। अभी लिमिट अप्लाई करना है, तो जनरली लिमिट कॉन्स्टेंट टर्म पे अप्लाई नहीं किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जहां जहां पे एक्स की टर्म है वहां वहां पे लिमिट अप्लाई करना है। यहाँ पे एक्स की टर्म है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या आएगा ए इंटू ए प्लस बी इंटू, यहां पर मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इंफिनिटी वन बाय एक्स प्लस सी इंटू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इंफिनिटी वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय एक्स क्यू। मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, डी इंटू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इंफिनिटी वन अपॉन एक्स क्यू अपॉन, यहां पे भी यहां पे लिमिट अप्लाई होगा, यहां पे और यहां पे, समझ रहे ना ये ई प्लस एफ इंटू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इंफिनिटी वन बाय एक्स प्लस जी इंटू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इंफिनिटी वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एच इंटू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इंफिनिटी वन अपॉन एक्स क्यूब। तो इस फॉर्मूले से इसका आंसर कितना आएगा, जीरो। यहां पे एक्स स्क्वायर है, ये कंडीशन है एन स्क्वायर एन इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे टू आ सकता है। यहाँ पे अगर मैं टू लिख रहा हूं तो उसका भी आंसर कितना आ रहा है, जीरो। यहाँ पे आएगा सी इंटू जीरो प्लस डी इंटू जीरो अपॉन ई प्लस एफ इंटू जीरो जी इंटू जीरो प्लस एच इंटू जीरो। फाइनल आंसर कितना आएगा, ए अपॉन। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, वेरिएबल की हाईएस्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब है, तो डिवाइड किससे करना है, एक्स क्यूब से। डिवाइड एक्स क्यूब ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इंफिनिटी एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स क्यूब, यहां पे भी x प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में ये जो एक्स क्यूब है ये किसके डिवाइड में, तीनों टर्म के डिवाइड में, उसको सेपरेट लिखना है। और यहाँ पे भी एक्स क्यूब तीनों के डिवाइड में आएगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। तो मैं एक एक इसके डिवाइड में, एक एक इसके और एक एक इसके डिवाइड में लिख रहा हूं, और यहां पे साइन प्लस का है तो मैं तीनों की डिवाइड में लिख रहा हूं। लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इंफिनिटी एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स क्यूब, और यहां पे एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स ऐसे लिख सकता हूं मैं, एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स।
लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इंफिनिटी, सेपरेट लिखो इसको, मैंने ये सेकंड स्टेप लिखी ना, ये भी सेपरेट लिख लो, एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस टू अपॉन, इसका आंसर कितना आएगा 1, प्लस इसका आंसर 3 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आंसर 2 इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ पे x किसके डिवाइड में, दोनों के डिवाइड में, इसको भी दोनों के डिवाइड में लिख लो, तो x बाय x 1 प्लस 4 बाय x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 1 बाय x, यहाँ पे x अपॉन x 1 माइनस 6 इंटू 1 बाय x x x कैंसर, तो 1 माइनस 3 इंटू 1 बाय x, डिनोमिनेटर की टर्म समझ में आ गई। अभी क्या अप्लाई करना है, लिमिट अप्लाई करना है, तो जहां जहां पे x से वहां पे लिमिट अप्लाई कर दो, तो यहां पे मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं, 1 प्लस 3 इंटू लिमिट ऑफ x टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू लिमिट ऑफ x टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 4 इंटू लिमिट ऑफ x टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय x 1 माइनस 6 इंटू लिमिट ऑफ x टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय x 1 माइनस 3 इंटू लिमिट ऑफ x टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय x, इसका आंसर कितना आएगा 1 प्लस इसका आंसर 0, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 4 इंटू इसका आंसर 0, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। उसके बाद यहां पे 1 माइनस 6 इंटू 0 थर्ड ब्रैकेट 1 माइनस 3 इंटू 0, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो यहां पे आएगा 1, ये 0 हो गया, ये भी 0 और ये भी 0, तो 1 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आता है, समझ में आ गया एग्जांपल ये। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कल के एग्जांपल लिखे ना सभी ने, डेली एग्जांपल लिखते जाओ ताकि आप नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन करोगे तब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड एग्जांपल देखो, लिमिट ऑफ x टेंस टू इंफिनिटी 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 अपॉन 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये फैंसी बन गया थे, चलो कर लेते हैं। अभी देखो इसके अकाउंट में हाईएस्ट पावर क्या है, x स्क्वायर है ना, किसे डिवाइड करना पड़ेगा, x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये एग्जांपल देख के आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 बाय 8 आ जाएगा। तो ये एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2, इवैल्यूएट फॉलोइंग, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस लिमिट ऑफ x टेंस टू इंफिनिटी 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ x रेस टू पावर 4 प्लस x प्लस। अभी देखो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन हाईएस्ट पावर तो x 4 है, वो रूट में, ठीक है, अगर मैं रूट के बाहर निकालता हूँ तो उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर ही आती है,
किसे डिवाइड करना है? x स्क्वायर से डिवाइड x स्क्वायर ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर और यहां पे x रेस टू पावर 4 प्लस x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर. x स्क्वायर तीनों की डिवाइड में इसको सेपरेट लिखना है. क्या आएगा? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी 7x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर. अगर मैं रूट में लिख रहा हूं तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी? x रेस टू पावर 4. तो x रेस टू पावर 4 प्लस x प्लस 2 अपॉन x रेस टू पावर 4. x स्क्वायर को रूट में अगर मैं लिखता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? x रेस टू पावर 4. नेक्स्ट स्टेप, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर 7 प्लस यहां पे 2 इंटू 1 बाय x माइनस 3 इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर. यहां पे x रेस टू पावर 4 किसके डिवाइड में? तीनों की डिवाइड में. तो x 4 अपॉन x 4 1 प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 2 अपॉन x रेस टू पावर 4. लिमिट अप्लाई कर लो, 7 प्लस 2 इंटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय x माइनस 3 इंटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x क्यूब प्लस 2 इंटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x रेस टू पावर 7 इंटू 7 प्लस. इसका आंसर कितना आएगा? 0. माइनस 3 इंटू इसका आंसर 0 अपॉन 1 प्लस इसका आंसर प्लस ये भी रूट नहीं है ना 2 इंटू डिनोमिनेटर में कितना बचेगा? रूट 1. रूट 1 की वैल्यू कितनी आती है? इसलिए इसका आंसर कितना आएगा? 7. समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 माइनस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 16. देखो यहां पे ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है? इरेशनल फंक्शन है. तो इरेशनल फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं? रैशनलाइज करते हैं टू टाइम्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और साइन भी चेंज करना पड़ता है. लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 माइनस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 16 इसका अपॉन में क्या है? 1 इंटू रैशनलाइज कर लो न्यूमरेटर से रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 माइनस के जगह प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 16 अपॉन सेम रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 प्लस रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस न्यूमरेटर में किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, टू चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्सटीन माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन, अगर मैं ब्रैकेट निकालता हूं तो प्लस का क्या आएगा, माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्सटीन प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इंफिनिटी, अगर मैं ब्रैकेट निकाल रहा हूं तो प्लस प्लस माइनस, 16 माइनस 16 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे न्यूमरेटर में, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16। अभी क्या करना है, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x से, क्योंकि एक्स स्क्वायर रूट में, रूट के बाहर उसकी वैल्यू x ही आएगी, डिवाइड x ऑन Divide x on numerator and denominator. क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ x tends to infinity 4x upon x और इसके अपॉन में भी x, x square plus 4x plus 16 plus root of x square plus 16 upon x square. एक्स आएगा, इसके बाद लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी फोर एक्स बाय एक्स है, नहीं एक्स एक्स कैंसल और अपॉन ये एक्स जो है, अगर मैं ये रूट में लिख रहा हूं, ये एक्स अगर रूट में लिख रहा हूं, वैसे ये दोनों के डिवाइड में, तो अगर मैं इसको रूट में लिख रहा हूं सेपरेटली तो क्या मिलेगा मुझे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 अपॉन x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 16 अपॉन x स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आ गई क्या, ये जो x है ये दोनों के डिवाइड में, तो दोनों के डिवाइड में x x आएगा, और अगर मैं रूट में लिख रहा हूं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी 4 x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये तीनों के डिवाइड में आएगा ना, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन x स्क्वायर प्लस 16 अपॉन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 16 अपॉन x स्क्वायर। नेक्स्ट लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी 4 अपॉन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 1, यहां पे कितना आएगा 4 इनटू 1 बाय x, यहां पे 16 इनटू 1 बाय x x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 16 इंटू 1 बाय x स्क्वायर। लिमिट पुट कर लो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, कांस्टेंट टर्म में लिमिट अप्लाई नहीं किया तो प्रॉब्लम नहीं होता, 1 प्लस 4 इंटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x प्लस 16 इंटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 16 इंटू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x स्क्वायर 4 1 प्लस 4, इसका आंसर
जीरो प्लस 16 इंटू इसका आंसर जीरो प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 16 इंटू इसका आंसर जीरो 4 अपॉन इसकी वैल्यू रूट 1 प्लस इसकी वैल्यू रूट 1 तो 4 अपॉन 1 प्लस 1 कितना आएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट ऑफ x रेस टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सिमिलर एग्जांपल है ये सॉल्व कर लो आप